तो वो अपना एक प्रेशर बना रहे हैं कुकी लोगों के ऊपर कि उनकी ज़मीन को भी हथिया लिया जाए। नहीं, इनका ज़मीन तो नहीं है, सारे ज़मीन सरकार का होता है पूरे देश में। ये हमारा भी वैली में भी हिल में भी भारत सरकार की ज़मीन होता है और मणिपुर सरकार की ज़मीन होता है। हमारे साथ ग्रुप कैप्टन है बी एन शर्मा जी और एयरफोर्स से रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं। हम सो ऑल ऑफ अस लेट्स गेट इनटू एक्शन। किस तरीके से धरना प्रदर्शन का ऑब्जेक्टिव क्या और किस तरीके से मणिपुर के लोगों को न्याय दिलाएगा? सर, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि ये जो आज आपने ऑर्गेनाइज किया है प्रोटेस्ट, ये किस तरीके से मणिपुर के लोगों के लिए बेनिफिशियल रहेगा और किस तरह जो हिंसा फैल रही है और मेतेई लोगों के लिए खास तौर पर, किस तरीके से उनके फ्यूचर को लेकर और हिंसा में उनको कम नुकसान हो उसके लिए बेनिफिशियल रहेगा? हमारा ये मेन मकसद ये है कि हमारा सफरिंग जो है वो भारत की जनता तक पहुँच जाए और अभी जो हिंसा चल रहा है उसको जल्दी जल्दी सरकार कोई कदम उठाए जल्दी जल्दी रोकने के लिए। हम बोलते रहा ये जो हिंसा के कारण जो है आर्म्स होने वेपन्स होने के लिए, सो इनको सबसे पहले आतंकवादी लोग जो है इनका आर्म्स हटाना पड़ेगा। आर्म्स हटाने के लिए सबसे पहले शू जो बोलते हैं सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस एग्रीमेंट, वो उसको हटाना पड़ेगा। जब तक आप हथियार नहीं छीना जाएगा वो फायरिंग होते रहेगा और हिंसा चलते रहेगा। ये मैं सब भारतवासियों को आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, आप लोग सपोर्ट कीजिए हमारे इस प्रोटेस्ट को और हमारे आवाज़ को, आप लोग हमारे आवाज़ के साथ जुड़ जाइए और बताइए सर भारत सरकार को प्रेशर दीजिए कि ये सस्पेंशन और ऑपरेशन एग्रीमेंट जो है इसको निकाला जाए, क्योंकि इस एग्रीमेंट के कारण हमारा मैतेई समुदाय का जितने भी किलिंग हो रहा है वो इसके कारण हो रहा है। मेरा एक सवाल है कि अभी राज्यसभा में बिल पास हुआ है फॉरेस्ट कंजर्वेशन, कहा ये जा रहा है कि मेतेई लोग, सर एक मेतेई लोग जो वहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब एक स्प्रेड और डोमिनेटिंग जो कम्युनिटी के तौर पर है, पॉलिटिकली साउंड है, एजुकेशनली साउंड है, रिसोर्स में साउंड है, तो वो अपना एक प्रेशर बना रहे हैं कुकी लोगों के ऊपर कि उनकी ज़मीन को भी हथिया लिया जाए। नहीं, इनका ज़मीन तो नहीं है, सारे ज़मीन सरकार का होता है पूरे देश में। ये हमारा भी वैली में भी हिल में भी भारत सरकार की ज़मीन होता है और मणिपुर सरकार की ज़मीन होता है। इसमें रिजर्व फॉरेस्ट अलग होता है, जो हम जो रह रहा है हमारा वैली में भी और कहीं पे भी सरकार चाहे तो अपना कुछ कार्यक्रम चलाने के लिए उसको निकाल सकता है। तो ये किसी ये कहना गलत है कि ये अपना ज़मीन और हमारा ज़मीन, और ये मणिपुरी मैतेई लोगों का है शुरुआत में, फिर और नागा भी है, नागा भी हमारे साथ है, हमारा इसको हम इसको ना इंडिजिनियस ट्राइब्स बोलेंगे, नागा और मैतेई और कुछ कुकी जो शुरुआत में जो है ब्रिटिश जो ला के बसाया गया था उस वो भी हम लोग इंडिजिनियस माना जाते हैं। परेशानी ये है कि लेट 1960s में जो आए कुकली और अभी जो बहुत सारे इमिग्रेशन हुआ इलीगल, इनसे परेशानी है। तो ये कहना गलत है कि मैतेई समुदाय ने इनको दबा के रखा। मैतेई का पॉपुलेशन ज़्यादा था इसलिए मैतेई के लिए वहाँ पे एक पॉलिटिकल हब बना, पॉलिटिकल डोमिनेंस आ गया। और ये तो अभी इनका लीडरशिप की क्वालिटीज़ है, क्योंकि हमारे पास 60 असेंबलीज है, वो लोग 60 असेंबलीज में इलेक्शन फाइट कर सकता है, जबकि मैतेई समुदाय को 40 में सीमित किया गया है। सो अगर अभी इनका करीब 5 लाख है, 5 लाख में से अगर अच्छा काम करे, अच्छा कार्य करे हमारा मणिपुर में, तो 60 की 60 में लड़ सकता है और जीत सकता है। वो कोई सीमित नहीं है 20 ट्राइबल यूनिट्स में, जबकि मैतेई को 60 में से सिर्फ 40 में कंटेस्ट कर सकता है। सो ये इनको एडवांटेज है, ये उल्टा बता रहा है, ये गलत भ्रम फैला रहा है कि मणिपुरी मैतेई लोग, और आप लोग देखिए IAS कितने बने हैं दिल्ली में देख लीजिए, मणिपुर में देख लीजिए, कोई भी सरकारी नौकरी और प्राइवेट नौकरी में देख लीजिए, ये गलत है, ये इनका डोमिनेंस ज़्यादा है। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आपका बात करने के लिए। सर, आई नॉर्थ इंडियन पीपल्स वॉन्ट टू नो कि हाउ द फोर्सेस टेकल विद मेतेई कम्युनिटी, बिकॉज लास्ट फ्रॉम लास्ट सम डेज वी लुक अ सम विजुअल्स कि फोर्सेस एंड मेतेई आर इंगेजिंग विद each other with weapons. Okay, the answer to this question is central forces have been kept there to act as a buffer zone
between the hill and the Kuki area and the Maiti area, and mostly pertaining to the outer area of the plains in Imphal West, Imphal East, Imphal North, Imphal South. But what has happened is the buffer zone forces, mainly with respect to Assam Rifle, they have not done their duties. It is that if there is a referee between for a football match between a two football team, the judge or the referee is acting with a partiality towards one team. They are acting more friendly to the Kuki team, and at times they are helping them to fire back at the Maiti. That is why the Maitis think the Assam Rifle is anti-Maiti. And please mind, Maitis comprises 64% of the population, Kukis are only 12%. Now with 64% of the population do not like Assam Rifle, with not one incident, a couple of incidents. And as a result, they feel that Assam Rifle should shift out from Manipur because they are not fair to the people of Manipur, and that the majority people is Maiti. Thank you very much.